बाकी टिकट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हापुड़ से बड़ी खबर है। हापुड़ कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गन्ने के रेट ना बढ़ने से नाराज गन्ना किसान। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही जहां गन्ना किसानों ने रेट ना बढ़ने के कारण प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में किसानों ने किया है धरना प्रदर्शन। गन्ने के रेट ना बढ़ने से किसानों में कड़ी नाराजगी। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है किसानों को समय पर नहीं मिल रही है गन्ने की पर्चियां। जिया सुन्नी चांद कमेटी ने किया है ऐलान। लखनऊ से बड़ी खबर है शबान के चांद होने पर हुआ ऐलान। 7 मार्च को देश भर में मनाया जाएगा शबे बारात का त्योहार। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। लखनऊ से बड़ी खबर है परिषद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है। अपने नेताओं को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। सदस्य बनाने के लिए समाजवादी पार्टी चलाएगी अभियान। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही जहां परिषद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। अपने नेताओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वकीलों ने थाने के अंदर किया जमकर बवाल। यह खबर लखनऊ से आ रही है। थाने के अंदर पहुंचकर वकीलों ने काटा हंगामा। थाने के अंदर बवाल का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मामले को शांत करवाने में लगे। पुलिसकर्मियों ने बवाल कर रहे वकीलों का बनाया वीडियो। लखनऊ के विभूति खंड थाने का मामला है। दबंग से परेशान युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है शिकायत। बांदा से बड़ी खबर है पुलिस ने इससे शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई भी कार्रवाई। आरोपी के घर में घुसकर करता था युवती से छेड़छाड़। शिकायत करने पर जान से मारने की दी देर आता धमकी। कलवारी थाना क्षेत्र के पास का मामला है। दबंग से परेशान युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है शिकायत। किसने किया है? कौन है ये रमेश? अच्छा तो आप लोग थाने गए थे? कौन से थाने गए थे? अच्छा तो क्या कहा वहाँ पर? कार्रवाई नहीं हुई क्या? कुछ नहीं सुनाई है। छेड़खानी कर दो तो हम दस्तखत नहीं किए तो हम कहा ऐसे दस्तखत न करेंगे। अच्छा बार बार वही का वो पड़ जाएगी जब वो मारने के धमकी दे रहे हैं। अच्छा कि मार के पीट देंगे कोई सुनाई नहीं है। बाइक सवार किडनैपर्स ने बच्ची के अपहरण का किया प्रयास। बुलंदशहर से बड़ी खबर है बच्चे की चीख सुनकर स्थानीय लोगों के आने पर फरार हुए तीनों किडनैपर्स। लेडी किडनैपर्स की खबर से इलाके में दहशत। पुलिस ने शुरू की लेडी किडनैपर्स की तलाश। जहांगीराबाद कस्बे के लोधान मोहल्ले में हुई वारदात। हम खेलने जा रहे थे और अचानक एक लड़की आ गई थी। तीन किस चीज पर थी वो बेटा? तो मेरा हाथ पकड़ा बाइक पे बैठा आया फिर भैया ने शोर मचाया फिर सारे गांव वाले बाहर निकल के आए थे। फिर क्या हुआ बेटा? फिर हाथ छोड़ दिया फिर वो चले गए थे। अभी मैं किसी काम से अभी जंगल की तरफ गया था तो अभी मेरे बच्चे दुकान पे गए थे बेटा बेटी जी। तो दो तीन महिलाएं आई थी बाइक पर और बेटी को उठा करके हाथ पकड़ के खींच के ले गई जो कि लड़का मेरा साथ में था। लड़की मेरी बेटी के साथ में इसने शोर मचाया उनके पीछे भी भागा था डला लेकर के लेकिन वो शोर मचाने पर भाग गई हैं और लड़की को छोड़ कर गए।
बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में किया है लूट का प्रयास। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, हथियार लेकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचे थे बदमाश। बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ज्वेलर के शोर मचाने और विरोध करने पर भागे बदमाश। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। संजय नगर के जागृति विहार मां भवानी ज्वेलर्स का मामला है। अमेठी में नहर में मिला है युवक का शव। अमेठी से बड़ी खबर है, निमंत्रण के लिए घर से निकला था युवक। लगभग 12 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। मोहनलाल गंज थाना अवैध निर्माण पर गर्जा योगी का बुलडोजर। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, मुख्य चौराहे पर लंबे समय से कर रखा था अवैध अतिक्रमण। ये नगर पालिका परिषद और नायब तहसीलदार ने चलाया अभियान। चुंगी जो यहाँ रहता है ये सबसे व्यस्त रहती है और यहाँ जाम की समस्या आए थे बढ़ी रहती थी। स्थानीय लोगों ने सूचना दी, शिकायत की, उसके बाद नगर पालिका की टीम, तहसील की टीम और पुलिस की टीम। ये जितना भी व्यस्तम एरिया है जैसे खुर्जा बस स्टॉप की तरफ भी बहुत व्यस्त एरिया है और वहाँ पर भी काफ़ी अतिक्रमण है, तो वो वहाँ पर भी हमें अतिक्रमण अभियान कंटिन्यू हमें चलाना है। यदि दोबारा कोशिश करता है कोई व्यक्ति अतिक्रमण की तो क्या कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से? की सामग्री जब्त करेंगे और पेनाल्टी लगाएंगे, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।